सो हे डाई हार्ड फैंस, तो आपने अब तक वकांडा फॉरएवर के रिव्यूज तो बहुत देख लोगे, लेकिन आज इस वीडियो में होगी स्पॉइलर टॉक्स, जिस टॉक्स में हम वकांडा फॉरएवर की पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे सिनेमाटोग्राफी, इसकी डायरेक्शन, इसकी एक्शन, इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो एक मेजर स्पॉइलर अलर्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त वीडियो। पहले बात करते हैं मूवी के इमोशनल सीन्स के बारे में, जहां आपको पता है कि ये मूवी एक इमोशनल होने वाली थी, जो कि एक इमोशनल मूवी है भी। सर चैडविक बोसमैन का इस मूवी में ना होना हमको खलकता है, पर उनके ना होने के साथ साथ हमको उनकी इस मूवी में अपीयरेंस हर जगह महसूस होती है। इस मूवी का शुरू का फ्यूनरल वाला सीन हमको इतना इमोशनल कर देता है, और इस मूवी की म्यूजिक, ये मूवी ऑस्कर में किसी चीज के लिए जाए ना जाए, पर ये अपनी मूवी और कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर में जरूर जाने वाली है। जहां हमको ये बता दिया गया है कि किंग टचाला की मौत एक बीमारी के चलते हुई है, जहां इस मूवी में हमको कहीं पर भी कैंसर का मेंशन नहीं देखने को मिला, पर वो एक कैंसर को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वकांडा के पास भी नहीं है। बात करें इस मूवी के मेन मोटिव का, यानी सर चैडविक बोसमैन को एक ट्रिब्यूट देना, जहां ये मूवी खरी भी उतरती है। स्पेशली मूवी में दिखाया गया दो साइलेंट सीन जो कि सर चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देते हैं, जो कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन है इस मूवी के, जहां हमको पूरे हॉल या पूरे सिनेमा में शांति देखने को मिलती है, और वो शांति हमको सुकून तो देती है, टचाला की याद दिलाती है, पर वो शांति हमको एक बेचैनी भी देती है कि हम यहां अपने चैडविक बोसमैन या फिर ब्लैक पैंथर को मिस कर रहे हैं। वहीं बात करें हम इसके कैरेक्टर्स को लेकर, तो यहां कैरेक्टर वेल डेवलपमेंट थे। जहां बात करें नाकिया की, जब नाकिया को क्वीन रमोंडा उसको उसके सेनापति के पद से बर्खास्त कर देती है, जहां हमको नाकिया के इमोशनल फील होते हैं। वहीं बात करें इस मूवी के सेकंड अट्रैक्शन है नमोर की, तो गाइज ये कैरेक्टर वेल डेवलप्ड, वेल एक्टिंग, वेल एक्शन सीन्स फैक्ट था इस करेक्टर में, जहाँ इस करेक्टर की ओरिजिन चेंज कर दी गई है कॉमिक बुक से, जो कि नीड भी थी, क्योंकि इसकी ओरिजिन काफी हद तक सेम है एक्वामैन से कॉमिक बुक में। बात की जाए नमोर की ओरिजिन, तो उसकी ओरिजिन काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि उसकी माँ पहले मैक्सिकन थी, और स्मॉल पॉक्स बीमारी के चलते हुए उन्होंने वाइब्रेनियम से बनी एक बूटी पी, जिसको बूटी को पीकर वो तलोकन में कन्वर्ट हो गए। वहीं तलोकन्स का आरंभ हुआ, जहां उन्होंने अटलांटिक सागर की गहराइयों में अपना खुद का साम्राज्य बनाया। नमोर ठहरा एक एंटी हीरो या फिर एंटी विलन, तो उसको वहीं तक ही सीमित नहीं रहना था, उसको पूरी दुनिया पे कब्जा करना था, जिसके लिए वकांडा से उसने मदद मांगी, पर वकांडा ने उसकी मदद के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने पूरे वकांडा पर हमला कर दिया। और इस मूवी ने यह भी क्लियर कर दिया कि वाइब्रेनियम का धूमकेतु सिर्फ वकांडा पर नहीं गिरा था, अटलांटिक ओशन की गहराइयों में भी वाइब्रेनियम एग्जिस्ट करता है। वही बात की जाए इस मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी काफी अच्छे से लिखी गई है। इस मूवी का नाम है वकांडा फॉरएवर, और ये अपने नाम पर खरी उतरती है। इसका पूरा फोकस होता है वकांडा के ऊपर, कि वकांडा बिना अपने राजा यानी बिना टिचाला के कैसे आगे बढ़ेगा, जहां उसके पीछे पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का प्रेशर है कि उसको अपना वाइब्रेनियम पूरे वर्ल्ड में शेयर करना चाहिए। उभर के आती है क्वीन रमोंडा, जो कि वकांडा को अच्छे से संभालती है, वकांडा और वकांडा के वाइब्रेनियम को पूरे वर्ल्ड और अमेरिका से प्रोटेक्ट करती है, और वो वकांडा को तलोकंस और नमोर से नहीं बचा पाती, जिस जद्दोजहद में वो अपनी जान भी खो बैठती है। क्वीन रमोंडा की मौत के बाद फिर से वकांडा ने खुद के किंग या फिर खुद की क्वीन को खो दिया, और फिर वकांडा को अपना न्यू ब्लैक पैंथर मिलता है, यानी शूरी। पर शूरी का उस सोल वर्ल्ड में जाना और किलमोंगर से मिलना, ये दिखाता है कि शूरी के अंदर भी एक राक्षस पनप रहा है, पर मूवी के एंड में वो नमोर को ना मारकर उस राक्षस पर विजय पा लेती है। बात की जाए इसकी डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी की, तो रायन ने काफी अच्छा काम किया इस मूवी में। इस मूवी के सीन्स इतने अच्छे से डायरेक्ट किए गए हैं, स्पेशली एंड वाला सीन जब शूरी और नमोर उस रेगिस्तान में लड़ते हैं और उस सीन को शिफ्ट किया जाता है वकांडा की शिप की तरफ, वो सीन इतने अच्छे से डायरेक्ट है, इतने जैसे मर्ज है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सीन वहां से वहां कब शिफ्ट हो गया। और वही बात की जाए इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का, इसमें सबसे पहले आता है नमोर की सीट तलोकन। तलोकन सिटी को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर जितना भी एक्सप्लोर किया गया वो सिटी इतने अच्छे से दिखाई नहीं गई, या फिर उस सिटी पर इतना काम ही नहीं किया गया। दूसरी बात आती है इस मूवी का डार्क होना। मूवी डार्क है, अच्छी बात है, पर ये मूवी ज्यादा डार्क हो जाती है कुछ कुछ सीन्स में। कुछ सीन्स में आपको डार्कनेस इतनी फील होती है कि आप कुछ वहां पर देख भी नहीं पाते। शूरी एज ब्लैक पैंथर अपन को नहीं जमी। पहली बात तो ब्लैक पैंथर का बनने का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट होता है इस मूवी के लिए, जो कि इस मूवी की और वकांडा के कल्चर का एक्सप्लेन करता है, जहां इस मूवी में उसका मजाक उड़ा दिया गया। बात की जाए मार्वल की मूवी सेलिंग पॉइंट की, यानी एक्शन की, तो इस मूवी में एक्शन हमको काफी वीक लगे। हाँ, शुरू के एक्शन सीन्स हमको काफी अच्छे लगे, पर एंडिंग में जो एक्शन सीन्स होने चाहिए तो एक्शन सीन्स हमको नहीं देखने को मिल पाए। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी मूवी है, एंड में नमोर को ना मारकर इन्होंने लव एंड थंडर की तरह हगा नहीं। बात की जाए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पोस्ट क्रेडिट सीन ना होकर इसका एंड का थोड़ा एक्सटेंडेड सीन दिखाया गया पोस्ट क्रेडिट में। वीडियो को करते हैं यही रैप अप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने ओपिनियन बताना इस रिव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। And love you all.